हमने दूल्हा और दुल्हन को पकड़ लिया है। अभी अभी कुछ देर पहले इनकी शादी हुई है और दूल्हे साहब जो हैं बहुत ज़्यादा संजीदा लगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे हैं। ऐसा ही है ना? पहले पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं, अपना नाम तो बताएं हमारे ऑडियंस को। सैयद मोहम्मद औरंगज़ेब नाम। अच्छा औरंगज़ेब, ये बताएं कि आपकी शादी माशाल्लाह आज हुई है, तो पसंद से शादी हो रही है? नहीं, पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं है? अरेंज मैरिज है। साथ बैठी हुई है, अरेंज मैरिज है। अच्छा अच्छा, लेकिन अरेंज किसने अरेंज की? फादर्स ने, मम्मा ने। अच्छा, आपकी अम्मी ने, आपके अबू ने, और आपकी वाइफ जो है माशाल्लाह उनके वालिदैन ने। लेकिन फैमिली मैरिज है जी? अच्छा, तो कजन्स में तो देखा हुआ होगा ना, तो मतलब आपको पता होगा, आपको पता होगा कि क्या क्या किस किस बात पे मूड खराब होता है। ऐसा है, बचपन से पता है? अभी लाइफ शुरुआत की है, नहीं हाँ। अब पता चल जाएगा, लेकिन पता है ऑलरेडी पहले का। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर वालिदैन ना इनका इंतखाब करते तो भी आप इन्हीं का इंतखाब करते, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, वालिदैन जो भी इंतखाब करते हैं अच्छा ही करते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो आपकी है, तो आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं करना चाहिए? ज़िंदगी का फैसला किया तो है, बहुत अच्छा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई मशवरा आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को कि शादी करते हुए किस बात का ख्याल करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जो वालिदैन के हुकूक हैं उनको दें। अच्छा। और जो उसकी वाइफ के हुकूक हैं वो उनको दें। ठीक है, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहेंगे? जी, सास के जॉइंट। अच्छा, ठीक है, पेरेंट्स के साथ। अच्छा, तो अगर कोई मसला हुआ तो फिर उसको कैसे आप निपटेंगे? कुछ सुननी पड़ती है, कुछ सुनानी भी पड़ती है। अच्छा, सुनानी भी पड़ती है, अच्छा, करनी पड़ती है। अच्छा, इसी तरह ही फिर लाइफ गुजारनी पड़ती है ना। ठीक है, आपके साथ बैठे हुए हैं जिसको हम कहते हैं जो रिश्ते कराते हैं, मैरिज ब्यूरो है इनका, अपना तारफ कराएं जी। जी, मेरा नाम सरवर बशीर है। हाँ, और मैं सरवर मैरिज सेंटर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मुझे तकरीबन कुछ 26 साल हो गए रिश्ते करवाते हुए। अच्छा, तो कितनी एक शादियाँ करा दी आपने? मैं तकरीबन 6000 से ज्यादा रिश्ते करवा चुका हूँ। बड़े कम आपने शादियाँ कराई हैं, 6000 तो एक महीने में हो जाती है। आजकल लोग कहते जो नखरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, तो मेरा क्या दिलों में लालच भी बढ़ रहा है, स्पेशली लड़के वालों को जो है ना दिल वो बड़े हार्डली हो चुके हैं ना। अच्छा, उन्हें एक रिश्ता दिखाते हैं, वो दूसरा देखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो उनके दिल में ये है कि मतलब जो है ना वो जल्दी पसंद नहीं करते। जब आपके पास कोई आता है तो बिल्कुल गैर लोग आते होंगे, तो वो पहले ही क्यों नहीं बता देते कि ये चीज़ें चाहिए, ताकि ना उनका टाइम वेस्ट हो, ना लड़की वालों का टाइम वेस्ट हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो। एक्चुअली जो फैमिली आती है ना, हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताते भी है, लेकिन उसके बाद भी हिडन रख लेते हैं चीज़ें। हाँ। मैं एक बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो कामयाब ज़िंदगी है, मैं हमेशा कपल को यही बताया, जहाँ भी रिश्ता करवाया है ना, मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि आजकल लड़कों में और लड़कियों में बर्दाश्त नहीं है, डिवोर्स रेशो क्यों है आज, वो इसी वजह से है क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं करते। अगर लड़की से कोई बात की जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करती, लड़के से बात की जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं तो सबसे ये मशवरा भी दूंगा सबको कि आप एक दूसरे की बर्दाश्त करें अगर कामयाब लाइफ गुजारनी है। ठीक है, अच्छा, पर इसका एक दूसरा तासर ये भी मैं ले सकती हूँ इससे कि जब इतनी ज़्यादा शादियाँ नाकाम हो रही हैं, अगर 56% या 60%, और उसके बीच में आप डाल दें 10% ऐसे जो कि बस चला आ रहे हैं, जुगाड़ चल रहा है, तो अगर 77% नाकाम है तो फिर लोग इतनी शादियाँ करते ही क्यों हैं? मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक बात आपके चैनल के थ्रू करनी है उन फैमिलीज के लिए, पेरेंट्स के लिए जो मेल है ख़ास तौर पर, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, उन्हें जब हम रिश्ता दिखाने जाते हैं ना तो डिमांड बहुत करते हैं, इतने मैंने मतलब अरब खरबपति लोग हैं, मिल ओनर्स है, फैक्ट्रीज है, मतलब हाई फाई प्रोफाइल है पाकिस्तान में, जिनके मैं रिश्ते करवा चुका हूँ, और जब कभी उनसे बात होती है ना तो वो सबसे कहते हैं, वो जब आते हैं ना पास, या मदर या फादर, वो कान में कह देते हैं भाई जान उनसे पूछे कि गाड़ी कौन सी देंगे या घर कौन सा देंगे, तो ये वेरी वेरी स्टूपिड हरकत है। मैं कहता हूँ जिसने अपने हीरे जैसा जिगर का टोटा दे दिया, बेटी दे दी है, तो पीछे क्या रहता है? अच्छा, भाभियों से पूछते हैं कि कितनी दफ़ा जाते हैं अम्मी के पास शिकायत लगाने के लिए, और भाई साहब कितनी दफ़ा जाते हैं कि देखें इसने मुझे ये कह दिया, या आप सास की तरफ चली गई या अपनी अम्मी के पास चली गई कि देखें इन्होंने ये कर दिया, कितनी शिकायतें लगाते हैं? हमारी शादी को माशाल्लाह से 14 साल हो गए हैं। अच्छा, शुरू शुरू में तो हमारी काफ़ी मसलन के आपस में झगड़े वगैरह हुए हैं, एडजस्टमेंट जी बहुत हाँ। ज़्यादा आप फैमिली की हैं? जी फैमिली में है, ज़रा अच्छा। थोड़ा सा ज़रा दूर में है। तो क्यों शुरू में क्या किन वजूहात से लड़ाई होती थी? जॉइंट फैमिली थी ना हमारी हाँ। तो ना बस आपस में किसी बात से झगड़ा हो जाना, इन्होंने अपनी अम्मी को बता देना या मैंने अपने घर वालों को बता देना। अच्छा अच्छा, शुरू शुरू में तो ऐसे हुआ है, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि जब अम्मियों को बता देते तो मामला
बिगड़ जाता है, ऐसा होता है जी, है ना जी जी। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान में थोड़ा समझ आती जाती है। अच्छा। तो होता है इंसान को नई अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में। दूसरा, नई शादी हुई होती है तो आपको प्राइवेसी भी, आपको दिल चाहता है कि हस्बैंड बस मेरे पास ही बैठा रहे, ऐसा होता है? जी बिल्कुल। हाँ, तो इन बातों पे लड़ाइयाँ होती जी। थी? अच्छा, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह रहे? नहीं, हम अब सेपरेट हो गए। अच्छा अच्छा, तो आपके ख्याल में अरेंज मैरिज जो है वो सही है? जी, अरेंज मैरिज ठीक। क्यों? ताकि जो पेरेंट्स फैसला करते हैं ना वो ठीक करते हैं। अच्छा, भाई साहब के पास चलते हैं, अम्मी ने पसंद की बहू? अम्मी और अब्बू दोनों ने। पहले थोड़ी सी आपने रिसर्च तो की होगी, इतने फरमाबरदार बेटे नहीं होते, आपने कुछ पता कराया होगा, किसी छोटे भाई को भेजा होगा कि चेक तो करो भाभी तुम्हारी कैसी है? जी, मैंने वालदैन तो मेरे हो थे देखे जिनको, हाँ। लेकिन मुझे उन्होंने एक मौका दिया कि आप अच्छी तरह सेलेक्ट कर लें। अच्छा। आपकी जिंदगी का सवाल है। अच्छा। फिर मैंने सेलेक्ट किया इनको, फिर वालदैन ने मंगनी की। अच्छा, तो क्या मशवरा आप देंगी कि जब रिश्ता देख रहे हो लड़का किस तरह का होना चाहिए? लड़का सेटल होना चाहिए, ठीक है, घर अच्छा होना चाहिए। हाँ। घर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, घर बस ये है कि काम करता हो, ठीक है, तो बस यही कुछ है, आगे जिम्मेदारी आपके सामने पड़ जाती है। आप एक ऐप चलाती हैं, आजकल शादी ब्याह के ऐप्स बड़े चल रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट पे चल रहे हैं। पहले ज़माने में हमारी होती थी कि रिश्ते कराने वाली होती थी, अब आप एक मॉडर्न रिश्ते कराने वाली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिसेस नौशीन है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आजकल के दौर में जो है ना ये मॉडर्निज्म आ चुकी है, ठीक है, हर चीज़ में एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हम भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि एक वेबसाइट के थ्रू हम लोग जो है फैमिलीज़ को रिश्ते वगैरह दिखाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर दिखाते हैं, बाकी फिर ये कि व्हाट्सएप के जरिए जो है ना वो लोगों को रिश्ते दिखाते हैं। अच्छा, तो उसमें ये जैसे ये भाई साहब सर्वर साहब कह रहे थे कि आजकल लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये यकीन करें ये आजकल लोग हमें ये कहते हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे या क्या वजह क्या है काम होने की, तो इसमें वजह सिर्फ यही है कि वालदैन जो है ना मोर अच्छे बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे की तलाश में जो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि लोग कहते हैं जी फैमिली छोटी होनी चाहिए, अब सिर्फ दो तीन बहन भाई हो, चार बहन भाई, इससे ज़्यादा जो है ना फैमिली को वो लोग नहीं बर्दाश्त करते या नहीं देखना चाहते, यानी कि लड़की को कम नंदे ससुराल में जो है ससुराल संभालना पड़े, और दूसरा जो है उनके जो है लड़का या लड़की खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा उसको देखते हैं कि जी लड़की जो है ना बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, और फिर उसका जो है एजुकेशन स्टेटस वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन स्टेटस लड़की का क्यों मांगते हैं जब नौकरी नहीं करवानी होती? नहीं, नौकरी भी करवानी है उससे, लड़की खूबसूरत भी हो और वो नौकरी भी करती हो। तो इसका मतलब मुझे ऐसी सेंस आ रही है, क्योंकि भाई साहब बता रहे थे, सर्वर साहब बता रहे थे, और अब आप बता रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि लड़के वाले भी कुछ ज़्यादा मांगने शुरू हो गए, लड़की वाले भी कुछ ज़्यादा मांगने शुरू हो गए, ये दोनों तो फिर हम कैसे मतलब एक लेवल पे कैसे पहुँचेंगे? ये अब यकीन कर इसी तरह से, ये नहीं हम कहते कि ना लड़के वाले ज़्यादा डिमांडिंग है, आजकल लड़की वाले भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, उनको ये होता है हम लोग यकीन कर पिक्चर जब भेजते हैं ना अभी प्रोफाइल रस्ते में होती है, पिक्चर देख के मना कर देते हैं कि नहीं जी ये लड़का नहीं ठीक है, लड़का नहीं पसंद आया, क्यों? वो उसकी लुक नहीं अच्छी, उसका कलर ऐसा नहीं है, या कुछ इस तरह से, या लुक वाइज नहीं वो ठीक लग रहा, या किसी लड़के की ड्रेसिंग इस तरह की नहीं है। वालिदैन की पसंद की बात हो गई, लव मैरिज की बात हो गई, खूबसूरती की बात हो गई, अच्छी से अच्छी गाड़ी की बात हो गई, लड़का सेटल्ड हो इसकी बात हो गई, और लोग जो हैं वो बड़े इज्जत करने वाले हैं इसकी बात हो गई, किरदार की बात किसी ने भी नहीं की। फाइनली हम इस प्यारे से दूल्हे को और प्यारी सी दुल्हन को हम यहाँ से विदा कर रहे हैं। सुनो कि सलामी भी है, और हमारी नेक दुआएं और नेक जितनी भी कामनाएं हैं सारी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, और बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ आप अपना घर संभालें, अपने ससुराल को भी संभालें। अच्छा जनाब, आपका तो शादी हॉल और 3-4 फंक्शंस बेक वक्त हो रहे हैं, कितनी एक शादियां आपने करा दी होंगी इधर? हर साल मेरा ख्याल कोई 1000 के करीब करवाते हैं। शादी हॉल वाले जो होते हैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब इवेंट बुक करने के लिए फैमिलीज आती हैं तो आपको तब नज़र आ जाता है कि इनका तो कोई जोड़ नहीं नज़र आ रहा, या कभी कभी आपको लगे कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनका अच्छा निभा होगा, ऐसा होता है? हर तरह के लोग आते हैं, बाज़ का हमें ये फीलिंग आती है कि इन दो ख़ानदानों के अंदर बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और कहीं ऐसे लगता है कि इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है आपस में, ठीक है, तो हम जज कर लेते हैं कि ये ख़ानदानों की मर्ज़ी से हो रही है शादी या ये कपल्स की मर्ज़ी के साथ हो रही है। और बहुत सारी तो ऐसी हमने बच्चियाँ देखी हैं जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके साथ शादियाँ करते हैं पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट के लिए,
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक नुक्ता है, क्योंकि मैंने जब रिश्तों के वो जो अखबारों में आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जी ग्रीन कार्ड होल्डर या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, तो ये कोई किरदार की तो निशानदेही नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। हम सिर्फ वो देखते हैं कि इसकी आसाइश, इसकी दौलत, कि ये फ्यूचर में खुश रहेगी। और ये खुशी दौलत के साथ तो कभी होती नहीं है, ना किसी जायदाद के साथ होती है। बिल्कुल नहीं होती दौलत, तो मेरा ख्याल है कि जो पैसा है इससे ज़्यादा तो कोई, ये तो मैं इसको मर्ज समझती हूँ, डिजीज़ है। लेकिन जो आपने बात की बड़ी ज़रूरी है कहना, कि ज़रूरी नहीं है कि मर्द के पास पैसा हो या जो ससुराल है उसका कोई स्टेटस, या ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी बेटी को आसाइश देगा या नहीं देगा। ये कोई गारंटी है ना, कोई कर ही नहीं सकता गारंटी इसकी। देखिए, हम पाकिस्तान में ना जो प्रॉब्लम है ना, वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम मुआशी प्रॉब्लम है। यहाँ पे गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, जहालत भी बढ़ी है। अब हम ये तीनों फैक्टर जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बेटियाँ कुर्बान की जाती हैं। लेकिन पढ़े लिखे भी काफ़ी जाहिल हैं। देखे ना, जहालत का मतलब यही है कि उसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, या वो अंदर से अनपढ़ है। ठीक है। जहालत, गुर्बत और बेरोज़गारी जो है ना, ये तीनों फैक्टर जब मिलते हैं ना, तो फिर जज्बात की, एहसासात की, रिश्तों की कुर्बानियाँ होती हैं। तो रिश्ता किस तरह बनाना चाहिए, रिश्ते के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात क्या है? रिश्ते के लिए इस्लाम में भी है और हमें भी, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बेटी कैसे खुश है, हमारा बेटा कैसे खुश है। हमें अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियाँ हमें मसलत नहीं करनी चाहिए अपनी बेटियों के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर।